हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स कुछ एक पिछली वीडियोस में हम कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप ये देखते जा रहे हैं कि एसी की थ्री फेज मोटर होती है उसके टर्मिनल जांचने से लेके स्टार्टरों से चलाने तक की विधियां जो हमने देख ली है। सबसे पहले हमने देख लिया कि टर्मिनल किस तरीके से चेक करते हैं और जो 3 HP तक की मोटर होती है थ्री फेज में उनको ड्यूल स्टार्टर से चला के हमने देख लिया। उससे ऊपर 5 HP की जो मोटर है उसके लिए हमने हस्त चली थी स्टार डेल्टा स्टार्टर से, हमने उसको चलाकर मोटर को देख लिया। उसके बाद में फ्रेंड्स जैसे कि हमने सेमी के अंदर ये देख लिया है कि जो कंट्रोलिंग वायरिंग होती है LVCO के लिए उसकी वीडियो देख ली है, पैनल बोर्ड पे उसको समझ लिया है। आज हम देखेंगे ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कि किस तरीके से LVCO को कंट्रोल किया जाता है और उसके बाद में जो पावर वायरिंग है, तो फ्रेंड्स जो पावर वायरिंग है वो आपको ऑटोमेटिक और सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर दोनों के अंदर सेम तरीके से देखने को मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। और इसमें और सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है तो सिर्फ ओनली टाइमर का, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। सेमी के अंदर होता क्या है फ्रेंड्स, हम मोटर को अपने द्वारा हमारे खुद के द्वारा ऑन बटन को दबा के रखने तक स्टार क्रम में चलाते हैं। यहाँ पर क्या होगा ऑटोमेटिक के अंदर हमारे को ऑन बटन दबा के और छोड़ देना है, उसके बाद में स्टार क्रम में चला के रखने तक और उसके बाद डेल्टा में कंटिन्यू रन कराने का काम हमारा यहाँ टाइमर कर देता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसके जो कनेक्शन वो किस तरीके से करते हैं। सब ओनली कंट्रोलिंग कनेक्शन देखेंगे, पावर वायरिंग के कनेक्शन के लिए आप हमारी जो सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर वाली वीडियो है उसको देख सकते हो और बाकी जो पहले स्टार हमने हस्तचलित स्टार्टर के देखे, ड्यूल के देखे, मोटर के टर्मिनल जांचने के देखे, इन सभी वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे आपको, तो वहां से आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके जो सर्किट डायग्राम है उसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो वहां सेमी में आप देख लिया था 3 NVCO हमारे पास होती है, यहां पर भी वही सेम है। फ्रेंड्स यहां पर जो टाइमर होता है इसमें जो दो कनेक्शन है टाइमर के अंदर वो हमारी K2 NVCO होते हैं उसके साथ ऑलरेडी कनेक्ट होता है, तो हमारा जो स्टार्टर आता है वो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर ही आता है। अगर हमारे को सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना होता है तो इस जो टाइमर है इसके ऊपर जो दो टर्मिनल है उसके कनेक्शन हम उसमें नहीं करते, ऑटोमेटिक में इसके कनेक्शन हम इसके अंदर करते हैं, तो आप ये चीज देख के कर लेना। उसके बाद में फ्रेंड्स अब आ जाते हैं LVCO पर। LVCO हमारी 440 वोल्टेज यानी कि दो फेज पर रन होती है, तो इनको एक ही फेज तो है डायरेक्ट मिलता है, तो वो डायरेक्ट फेज कैसे मिलेगा, यहाँ R फेज जो है हमारा रेड फेज है वो K1 के अंदर आ गया यहाँ से, उसके बाद में यहाँ से होता हुआ हमारे आगे K3 में और यहीं से हमारा K3 की NC से सीधा चला गया हमारी K2 के अंदर। NONC है वो चेक करना आपको आना चाहिए, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करते टाइम भी एक बार और बता दूंगा, वैसे सेमी में मैंने बता दिया है। उसके बाद में अब देख लेते हैं एक एक फेज हमारी NVCO को मिल गया है। दूसरा फेज फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मिलेगा कि जब हम ऑन बटन को दबाएं तो हमारी K2 के साथ हमारी रन हो कौन सी K1 NVCO, क्योंकि इन दोनों NVCO के अंदर हम हमारे मोटर के कनेक्शन कुछ इस प्रकार करते हैं कि हमारी मोटर स्टार में रन होने लग जाती है। तो जैसे ऑन बटन को दबाएंगे यहाँ से ब्लू फेज मिलेगा सीधा हमारी जो हमारी ऑफ बटन होता है यानी कि NC होता है उसको, उसके बाद दूसरा NC का टर्मिनल सीधा NO के फर्स्ट टर्मिनल पे जाएगा और जो NO का दूसरा टर्मिनल बच गया यहाँ से एक सीधा उठ के चल जाएगा हमारे टाइमर के अंदर, और जहाँ टाइमर के एक पॉइंट पे जहाँ पर जाके कनेक्ट होगा हमारा ये वाला फेज उसी से एक तार उठ के सीधा चल जाएगा हमारे K2 के NO के अंदर, K2 के NO के अंदर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे अब हम ऑन बटन को दबाएंगे, ऑन बटन को दबाते ही ये फेज सीधा आ जाएगा हमारे इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पर आ गया। यहां से फ्रेंड्स हमारी यहाँ जो टाइमर होता है इसके अंदर बायोमेट्रिक पत्तियां होती है, तो ये पत्तियां आपस में टच रहती है, जब ये मोटर को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो ये पत्तियां पहले से ऑलरेडी टच रहती है, ये टाइम के कुछ सेकेंड बाद ये पत्तियां आपस में खुल जाती है, जैसे खुलती है सर्किट को ऑफ कर देती है, तो जब ये कनेक्ट रहेगी एक दूसरे से तो यहाँ से ये फेज चल जाएगा यहाँ पर और ये ब्लू वाला फेज हमारा मिल जाएगा K2 को। K2 जैसे चालू होगी, चालू होते ही हमारा NO बन जाएगा NC और NC बन जाएगा NO, ये दोनों आपस में यहाँ पे लूप होए रहते हैं, जैसे कि हमने सेमी में देख लिया था क्यों लूप करते हैं इनको, तो यहाँ ये लूप होए रहते हैं, तो ये फेज जो यहाँ से यहाँ आ रहा था अब वो जैसे ही ये NO NC बन जाएगा तो उसके बाद में ये फेज चल जाएगा यहाँ पर, जैसे ये फेज यहाँ जाएगा यहाँ जाते ही ये दोनों आपस में यहाँ से कनेक्शन है, ये कनेक्शन सीधा चल जाएगा हमारे K1 के अंदर और K1 से हमारे ऑक्सिलरी के अंदर भी चला जाएगा। अब हमारी K1 और K2 ऑन हो जाएगी,
आप ये चीज ऐसे मत देखना कि ये चीज हवा में हो रही है, ये चीज हवा में नहीं हो रही। जब हमारी एनबीसी चलती है तो ये स्विच कुछ इस प्रकार होते हैं, इनके अंदर पत्तियां लगी हुई होती है। तो जैसे हमारी एनबीसी चलती है तो एनबीसी के साथ ही एनओएनसी कनेक्ट रहता है, तो ये भी ऑन होता है। ऑन होती है वो पत्तियां जो यहाँ पे इस तरीके की पत्ती लगी रहती है, तो ये पत्तियां आपस में इस तरीके टच करती है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच करती है, और जो इस एनसी से जुड़ी हुई रहती है वो पत्तियां ऑलरेडी टच रहती है। तो जब एनबीसी चलती है तो वो पत्तियां आपस में खुलती है, एनओ में तो जुड़ती है, एनसी में खुलती है। तो ये खुलती है तो एनओ बना लेती है, और ये बंद होती है तो एनसी बना लेती है। तो देखा ये फ्रेंड्स, यहाँ फेज जो है यहाँ से एनओ जैसे ये चलेगी चलते एनसी के अंदर होता हुआ हमारी ए वन में पहुंच जाएगा। अब यहाँ ये ऑक्सिलरी जो पॉइंट है, ये ऑक्सिलरी पॉइंट हमारे एनओ के फर्स्ट पॉइंट से यहाँ से अंदर से इंटरलॉकिंग होता है। जब हमारी केवल स्टार्ट हो, जब ये केवल स्टार्ट होगी तो ये फेज जो फेज यहाँ से इस तरीके से घूम के जा रहा था, कुछ देर बाद में फ्रेंड्स जैसे हम इसको छोड़ेंगे, छोड़ते ही ये फेज अब इसको यहाँ से मिलने लग जाएगा, अंदर से इस तरीके से मिलने लग जाएगा। अब फेज यहाँ से घूम के नहीं जाएगा, अब फेज आएगा इधर से वापस रिटर्न होके, तो इधर से जाएगा तो हमारी केवल को कंटिन्यू फेज मिलता रहेगा, दोनों फेज मिल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में ये फेज वापस यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद में ये नॉर्मली ओपन था जब हमारी एनबीसी कंटिन्यू रन करेगी, ये नॉर्मली क्लोज हो गया था। तो क्लोज होने के बाद ये फेज आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से वापस से हमारे टाइमर में जाता हुआ यहाँ पर कंटिन्यू हमारे के टू को मिलता रहेगा। हमारा टाइमर है यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ टाइमिंग लिखा हुआ रहता है कि हम हमारी मोटर को कितने सेकंड तक जो स्टार में चला के रखे। जैसे हम इसको यहाँ से प्रीसेट भी कर सकते हैं, जैसे इस जिस टाइम पर सेट कर रखा है उतना टाइम हमारी मोटर को चलाने के बाद ये जो टाइमर है इसकी पत्तियां आपस में खुल जाती है। जैसे ही खुलेगी फ्रेंड, जो फेज हमारे को यहाँ रिटर्न में मिल रहा था वो अब यहाँ से कट हो जाएगा। जैसे ये कट होगा उसके बाद हमारी ये वाली जो एनसी है ये ऑफ हो जाएगी। ऑफ होती फ्रेंड्स इसके एनओ एनसी है वो वापस चेंज हो जाएंगे, मतलब जो एनओ था और एनसी बना था वो वापस एनओ हो जाएगा, और जो एनसी था एनओ बना था वो वापस एनसी हो जाएगा। जैसे ये एनओ हुआ, एनओ होते ही ये फेज जो यहाँ जा रहा था वो कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, और जो यहाँ उसके बाद में फिर यहाँ से एनसी जो एनओ बन गया था वो वापस एनसी बन जाएगा, एनसी बनते ही यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से सीधा आ जाएगा हमारे के थ्री के अंदर। अब हमारी फ्रेंड मोटर है वो जो डेल्टा में कंटिन्यू रन करने लग जाएगी। ये तो जो डायरेक्ट जब हमने ऑन बटन दबाए तब से रन कर दी थी, उसके बाद K2, और जैसे ही हमने K2 का टाइमिंग कंप्लीट हुआ वहां से स्टार का, तो ये बंद हुई और उसके बाद में हमारी K3 यानी कि K1 और K3 जो डेल्टा के अंदर कंटिन्यू रन करती रहेगी। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेंगे स्टार्टर के अंदर विद वायरिंग किस तरीके से इसका सर्किट तैयार करते हैं, फिर आपको एक बार सिंगल फेज पर ही ऑपरेट करके दिखा देंगे, क्योंकि हमारी एनबीसी है वो सिंगल फेज पर भी ऑपरेट हो जाती है। तो वो जो है कनेक्शन वो हम देखेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। और अभी तक जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।